हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एक अपना पहला टॉपिक आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, दो तरह से, शॉर्ट टर्म और एक हम पार्ट पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म। सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। शॉर्ट टर्म के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर क्या क्या नेम है इसके वो आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत ब्रीफ में। लाइक ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है जब एक फर्म अपने सप्लायर से उधार में कुछ सामान लेती है। तो बैंक क्रेडिट का मतलब होता है बैंक से लोन लेना। क्या होता है? बैंक से लोन लेना। लोन लेने के लिए सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, या तो पर्सनल सिक्योरिटी रख दो जो क्रेडिट वर्थनेस होती है ब्रोवर की, या फिर सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स। एसेट्स में मूवेबल सिक्योरिटी लाइक कार वगैरह आप रख सकते हो, शेयर रख सकते हो, या फिर डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स यानी कि जो भी आपके पास सामान है जिसकी ओनरशिप आपके पास है वो सामान गिरवी रख सकते हो। FD की रिसिप्ट गिरवी रख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस की रिसिप्ट, ज्वेलरी या प्रीशियस मेटल रख सकते हो, अदर सिक्योरिटी कोई भी अगर आपने सर्टिफिकेट में पैसा लगा रखा तो वो वाला सारा सिस्टम। फिर आता है अब ये सिक्योरिटी रखने के पास रिगार्डिंग बैंक आपको अलग अलग टाइप से लोन प्रोवाइड करता है। पहला आता है लोन एंड एडवांस। इसकी खास बात क्या थी? खास बात ये है कि सर एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, पूरी अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे आप उसमें से एक रुपया भी ना निकालो, ठीक है। नंबर थ्री, सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स, और यहाँ पर जो फिक्स एसेट आपको गिरवी रखनी पड़ती है आप ये मान लो। कैश क्रेडिट की बात करेंगे तो हम इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो सिर्फ विड्रॉवल अमाउंट के रिगार्डिंग करना पड़ता है। करंट एसेट सिक्योरिटी के रूप में रखनी पड़ती है, अलग से कोई भी आप बोल सकते हो कि अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करंट एसेट या मार्केटेबल सिक्योरिटी को गिरवी रखा जाता है। फिर पढ़ते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कि जो एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है तो एक करंट अकाउंट पे ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑफ एसेट, बल्कि ये क्रेडिट वर्थनेस के बेस पर ही ब्रोवर की दी जाती है और जितना पैसा निकालोगे उतने पर ही ब्याज देना पड़ता है, उससे ज़्यादा पे नहीं। बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है बिल को कैश में कन्वर्ट करवाना, यानी कि बिल कन्वर्टेड इंटू कैश, बिल को कैश में कन्वर्ट करना बिल डिस्काउंटेड होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं। फिर आता फैक्टरिंग के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। तो एक हमने पढ़ा क्या क्या शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में, सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट, सप्लायर से उधार माल लेना। दूसरे पे हमने पढ़ा बैंक क्रेडिट, ठीक है, और थर्ड वन आता अपना फैक्टरिंग। क्या आता है? फैक्टरिंग के रिगार्डिंग। तो फैक्टरिंग शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये भी, और जो एक कंपनी होती है अपने डेटर से पैसा निकलवाने का काम किसी थर्ड पार्टी को दे देती है, उस थर्ड पार्टी को फैक्टर बोलते हैं। और नॉर्मली पैसा निकलवाने का काम कोई इनको कंपनी करती है जिसको फैक्टर कंपनी बोला जाता है, और बदले में इसको हम कमीशन वगैरह दे देते हैं। फिर आता है कस्टमर एडवांस। अगर कोई वेल रेपुटेटेड कंपनी है या फिर कंपनी के पास ऐसा प्रोजेक्ट है जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल नहीं होता या महंगा होता है, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी क्या करती है, पहले कस्टमर से एडवांस ले लेती है और उस एडवांस का यूज भी शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी कर सकती है, उसको कस्टमर एडवांस बोलते हैं। नेक्स्ट बनाता है लोन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको इंडिजियस बैंक भी बोला जाता है। जैसे गाँव के अंदर जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है, साहूकार है या पैसे वाला व्यक्ति है, उससे गाँव के लोग पैसे ले लेते हैं। तो इसने बोला ऐसे इंडस्ट्री सेटअप करने वाले भी गांव के लोगों से पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट की रेट इनकी हाई होती है तो कंपनियां कभी कभार ही जब इमरजेंसी हो, कहीं से पैसा ना मिले, तो वहां से इनसे लोन लिया जा सकता है।
और ये लोन जो है सिक्योरिटी बेस पर और विदाउट सिक्योरिटी यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट के बेस पर भी दिया जा सकता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म, आज का अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिगार्डिंग। अब एक कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा चाहिए, पहली बात तो शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा चाहिए वो मनी मार्केट से लेके आती है और सारे के सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हो। इसी तरह लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट से पैसा निकलवाया जा सकता है। कैपिटल फाइनेंस मार्केट दो तरह की, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट से पैसा निकलवाया जा सकता है। नंबर एक वन आता है इशू ऑफ शेयर। कोई भी कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर देती है जिसको ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, कि एक कंपनी अपने पूरी लाइफ टाइम के दौरान इतना पैसा पब्लिक से ले सकती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या करती है, अब जितनी ऑथराइज कैपिटल है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो रेंडमली इशू करती रहती है सिक्योरिटी। ठीक है, तो उस जो पोर्शन बचा हुआ है जिसको इशू करते हैं उसको शेयर बोला जाता है। तो जब शेयर इशू किया जाता है तो जो इसको कलेक्ट करते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं और बदले में कंपनी को डिविडेंड वगैरह उसको पेमेंट करना पड़ता है। और हमें पता है कि इशू ऑफ सिक्योरिटी, इशू ऑफ शेयर में दोनों आते हैं आपके इक्विटी और प्रेफरेंस। इनके बीच में डिफरेंस तो हर कोई जानता है, अगर हम इस लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इक्विटी में क्या होता है प्रेफरेंस क्या होता है हम सबको पता ही है। हिंदी में समता अंशधारी इसको पूर्वांशधारी बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर का कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। ठीक है, और प्रेफरेंस को डिविडेंड पे करने के बाद ही इनको डिविडेंड दिया जाता है। इनको वोटिंग राइट होता है आप ये मान सकते हो, और ये एक्चुअल ओनर होते हैं या ओनर कैपिटल या ओनर फंड भी इसको बोला जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिसको प्रेफरेंशियल राइट होता है इक्विटी से। इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलेगा और पहले ही कैपिटल रिटर्न मिलेगी अगर वाइंडिंग अप कर रहे हैं तो। सॉरी, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, इस पर कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होता, याद रखना। इक्विटी पे कोई भी फिक्स इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस पे फिक्स इंटरेस्ट रेट फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड। यहाँ पर डिविडेंड की कोई रेट फिक्स नहीं होती, यहाँ पर डिविडेंड की रेट फिक्स होती है। इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, जबकि इक्विटी वाले को वोटिंग राइट मिलता है। ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट है तो इक्विटी वाले कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता ही है। ठीक है, इट इज़ नॉट कंपलसरी ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी टू बी शेयर। ज़रूरी नहीं है कि शेयर कैपिटल जो हम इशू ऑफ शेयर बोल के उसमें प्रेफरेंस को भी इश्यू करें या ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर इशू करना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो होता है डिविडेंड जो हर साल पे करना पड़ता है शेयर होल्डर को, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी, और एक होता है रिटर्न टू कैपिटल, जो उन्होंने पैसा लगाया वाइंडिंग अप के टाइम वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। समझा की बात, अगर मान लिया कोई कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो सबसे पहले मिलता है जी कैपिटल वाइंडिंग अप के टाइम, ऑन दी टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी को वाइंडिंग अप कर रहे हैं बंद कर रहे तब सबसे पहला इक्विटी मिलेगा, सॉरी प्रेफरेंस को मिलेगी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल पे करना पड़ेगा। फिर नंबर टू पे इक्विटी को कैपिटल देंगे, इक्विटी कैपिटल देना पड़ेगा। नंबर थ्री पे, कलर चेंज कर लेता हूँ याद भी रख लेना, प्रेफरेंस को डिविडेंड देना पड़ेगा। नंबर फोर पे इक्विटी को डिविडेंड देना पड़ेगा। समझ आ गया ना बात। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल को राइट है किस चीज़ का सर, कैपिटल भी पहले लेने का और डिविडेंड भी पहले लेने का, किससे, इक्विटी से। ठीक है, इक्विटी से पहले लेने का राइट है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रेफरेंस को कैपिटल भी पहले दे दे नंबर एक और उसके बाद डिविडेंड भी दे दे नंबर तीन और बाद में जो बचे हुए इक्विटी को दे दें, ऐसा स्टेप कभी नहीं आएगा। समझ आई ना बात। तो इसमें यही याद आपको करना है कि वाइंडिंग अप के टाइम पहले कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है दोनों को, फिर बच जाता है तो डिविडेंड दिया जाता है दोनों को, अगर फिर भी बच जाता है और प्रेफरेंशियल पार्टिसिपेटिव नेचर के हैं फिर जो प्रॉफिट बचेगा ना सरप्लस उसकी रेशियो पहले से डिफाइन होती है उसमें बांट देंगे दोनों में। तो ये प्रोसीजर होप आपको समझ में आया होगा और यही इसका क्रक्स था, बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। फिर आते हैं प्रेफरेंस के कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको एक टाइम के बाद में इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और नॉन कन्वर्टेबल जिसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा।
नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं 20 ईयर 20 साल के लिए इशू किए जाते हैं नॉर्मल कंपनी के केस में। और अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, याद रखना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो उसके लिए 30 साल के लिए इशू किए जा सकते हैं प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर की अगर बात करें तो नॉर्मली 10 साल के लिए इशू किए जाते हैं, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे है तो 30 साल के लिए किए जाएंगे। लेकिन रिडम्पशन कैसे होगा सर, 21वें साल से रिडम्पशन स्टार्ट हो जाए, हाँ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले केस में 21वें साल से रजिस्ट्रेंस रिडम्पशन स्टार्ट हो जाएगा 10% एनुअली। अल्टीमेट हम बोलते हैं देखो, एक तो ये चीज़ ये है कि अगर नॉर्मल कंपनी है तो 20 साल के पूरे होते सारा का सारा रिडम्पशन कर दो, और दूसरा का मतलब क्या होता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 10 साल का टाइम पीरियड दे दिया भी, हर साल 10% इनका रिडम्पशन कर दो, ठीक है। पार्टिसिपेटिव वही कि पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दो जी, फिर इक्विटी को, सॉरी पहले प्रेफरेंस को कैपिटल दे दो, फिर इक्विटी कैपिटल दे दो, फिर प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दो, फिर इक्विटी को डिविडेंड दे दो, फिर भी अगर कुछ सरप्लस बचता है और प्रेफरेंशियल के ऊपर लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिव, तो फिर इसकी रेशियो प्री डिफाइन होती है कि किस रेशियो में बटेगा। नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब कोई नहीं, जितना सरप्लस बच जाएगा सारा का सारा इक्विटी का। कम्युलेटिव, अगर मान लिया किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड नहीं मिलता, किसको डिविडेंड नहीं मिलता, प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड नहीं मिलता। लेकिन अगर कम्युलेटिव नेचर के हैं तो जो एरियर ऑफ डिविडेंड है वो मिल जाता है, एरियर ऑफ डिविडेंड जो है वो मिल जाता है प्रेफरेंस वाले को, ठीक है। नॉन कम्युलेटिव में कोई एरियर नहीं मिलता, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई डिविडेंड नहीं, हो गया तो डिविडेंड दे देंगे। रिडीमेबल मैंने अभी बताया 20 साल के लिए, इरिडीमेबल ख़त्म हो गया, अब इशू ही नहीं किए जा सकते, कंपनी 2013 में ख़त्म कर दी गई है, 1956 में तो थे ही। डिवेंचर वाला वही है सर, लॉन्ग टर्म फंड राइज करना है, ये एक्सटर्नल पार्टी वो ओनरशिप के लिए था, ये एक्सटर्नल सोर्स से फाइनेंस करते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स होती हैं, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ये पे करना ही करना पड़ता है, यार इंटरेस्ट इरिस्पेक्टिव प्रॉफिट कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, कोई वोटिंग राइट नहीं होता इसको, फुल्ली सिक्योर्ड होते हैं नॉर्मली, अलग अलग टाइप आते हैं लेकिन सिक्योर्ड वाले चलते हैं इंडिया के अंदर। अगर कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम डिवेंचर होल्डर का पैसा नहीं दे पाई तो उसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे, और इंसॉल्वेंट कंपनी, और उस कंडीशन में फर्म की एसेट को सेल करके डिवेंचर होल्डर का पैसा दिया जाएगा, इंटरेस्ट का भी और प्रिंसिपल का भी, लेकिन पहले प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं टाइप ऑफ डिवेंचर की अगर हम बात करेंगे तो रिडीमेबल 10 साल के लिए, इरिडीमेबल नहीं होते सर, सिक्योर्ड की कंपनी के एसेट को सेल कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड कंपनी के एसेट को सेल नहीं कर सकते, ये अनसिक्योर्ड वाले भी इंडिया के अंदर पॉपुलर नहीं है। कन्वर्टेबल जिसको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है एक टाइम पीरियड के बाद, इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रजिस्टर्ड जिसका नाम डिवेंचर होल्डर का नाम ही लिखा होता स्पेशल, तो यही उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। बियरर कोई नाम नहीं लिखा होता, जिसके हाथ में वो डिवेंचर होल्डर का सर्टिफिकेट होगा वही उसका होल्डर हो जाएगा, लाइक रुपए की तरह, जिसके हाथ में पैसा उसी का वो पैसा। और आता है नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दिया गया जी अपना लोन, नेक्स्ट वन है लोन फ्रॉम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल फाइनेंस, स्पेशल फाइनेंस का मतलब होता है पर्टिकुलर उसी फंक्शन के लिए बनाए गए ये इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशन लाइक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए IFC के पास जाइए, इंडस्ट्री को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आप IRBI के पास जाइए, स्टेट के लेवल पर फाइनेंस के लिए स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट के लेवल पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हर किसी के लिए अलग अलग बनाया गया है। कोई भी नया इंटरप्राइज है या कोई पुराना है जो मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन करना चाहता है तो ये 25 साल तक मैक्सिमम 25 ईयर के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, और मॉर्गेज कंपनी की प्रॉपर्टी में मॉर्गेज के रूप में रखते हैं। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है उसके सिर्फ ऑनरशिप राइट रखते हैं, लाइक स्टॉक ऑफ हाइपोथिकेशन ऑफ द स्टॉक शेयर। और मेजर बेनिफिट इसका क्या क्या है, इंटरेस्ट रेट कम होती हैं, पैसा ज़्यादा अमाउंट में देते हैं,
लेकिन लीगल एंड टेक्निकल फॉर्मेलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और नेगोशिएशन पीरियड 25 साल तक है तो थोड़ा लंबा चलता है, कम से कम आपको पता नहीं एक साल में कितनी मीटिंग करनी पड़ती है तब जाके प्रोजेक्ट फाइनल होता है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना मेंबर बिठाते हैं कंट्रोल करने के लिए, दो डायरेक्टर, एक या दो डायरेक्टर ये नॉमिनेट करते हैं ताकि पता चले कि कंपनी के पैसे का गलती तो नहीं कर रही। कमर्शियल बैंक से बोरोइंग, नॉर्मली कमर्शियल बैंक हर साल के लिए लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं देता, ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देता है, बट रिसेंटली ये 3 से 5 साल के लिए भी लोन देने लग गया, लेकिन हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अगर सिंपल आ जाए कि कमर्शियल बैंक लोन किसके लिए देता है, आप लिखोगे शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर मेंशन करके लिख दे 3 से 5 साल के लिए कमर्शियल बैंक ने लोन दिया तो ये लॉन्ग टर्म में काउंट हो जाएगा। और पीरियड जो है एक्सटेंड होता रहता है 3 से 5 साल, लेकिन कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली 3 से 5 साल के लिए लोन देती है। तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर। ये अभी रिसेंट में चलाया है काम ये लिखकर का, बट रिसेंटली यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस लोन देते हैं, लार्ज इंडस्ट्री को नहीं देते। फिर आता पब्लिक डिपॉजिट, जब इसने बोला कि बैंकर नहीं थे, अगर उसके पास पास नहीं है तो लोग जो है रेपुटेटेड कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं। ये एक वेरी पॉपुलर मेथड होता है और शॉर्ट टर्म या मिड टर्म लोन के लिए बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है। तो इन दिस मेथड्स कंपनी कैन राइज फंड बाय इनवाइटिंग देयर शेयर होल्डर एम्प्लॉयज या जनरल पब्लिक, यानी कि कंपनी इस मेथड के थ्रू इन्वाइट करती है, कोई शेयर इशू नहीं करती, बल्कि ये बोलती है पैसे दो और बदले में ब्याज ले जाओ। अपने शेयर होल्डर को बोल सकती है, एम्प्लॉयज को बोल सकती है, जनरल पब्लिक को बोल सकती है कि डिपॉजिट करवा दो कंपनी के अंदर अपनी सेविंग को। तो इसके लिए कंपनी ऑफर भी निकालती है हायर इंटरेस्ट रेट, जो बैंक इंटरेस्ट रेट होता है ना बैंक में डिपॉजिट कराने की, जो FD की रेट होती है उससे भी ज़्यादा रेट देती है। द पीरियड फॉर विच कंपनी एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट और बिटवीन 6 to 36 months, यानी कि एक कंपनी 6 महीने से लेकर 36 महीने तक आम पब्लिक का पैसा ब्याज के रूप में रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, यानी कि 3 साल मैक्सिमम पैसा रख सकती है, उसके बाद उसको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बनाते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू राइज फंड थ्रू द पब्लिक डिपॉजिट, उसको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी न्यूज़पेपर में, ठीक है। और नॉर्मली अपॉइंट कर लेते हैं लोकल ब्रोवर को ताकि वो पब्लिक से जो डायरेक्ट लिंक होते ना उनके थ्रू पैसा जमा करवा देती हैं। द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व, एक कंपनी की पेड अप कैपिटल और उसके जनरल रिजर्व को मिलाकर जितनी अमाउंट बनती है उससे 25% से ज़्यादा वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। तो इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर जिसको बोलते हैं। मेरिट क्या है इसकी, देखिए सिंपल है, इजी है, सिंपल एंड इजी मेथड है, न्यूज़पेपर में दिया है, लीगल फॉर्मेलिटी ना के बराबर हैं। फिर नो चार्ज ऑफ एसेट सिक्योर्ड नहीं होते, ये कंपनी की रेपुटेशन पे दिए जाते हैं, सस्ता पड़ता है क्योंकि अगर कंपनी बैंक से पैसा लेने जाए तो वो महंगा होता है, या शेयर इशू करे तो महंगा होता है, डिवेंचर इशू करे तो महंगा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, जब कंपनी का मन करे 6 से लेके 36 महीने के अंदर अंदर कभी पैसा वापस कर दे। कमियां क्या हैं, अनसर्टेनिटी होती हैं, ये सिर्फ हाई रेपुटेटेड कंपनियां हैं या हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनियां ही पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाती हैं। हो सकता है लोग जैसे कंपनी के लिए बाउंडेशन नहीं है वैसे यहाँ के लोगों के लिए बाउंडेशन नहीं है, वो जब चाहे तब पैसा आसानी से निकलवा सकते हैं कंपनी से। फिर आता है इनसिक्योरिटी, पब्लिक डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द एसेट, तो पब्लिक के लिए भी थोड़ा रिस्की हो जाता है। और लिमिट ऑफ द अमाउंट राइज 25% ही आप पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का मंगवा सकते, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आता है अपना रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट कमाया है उसी को अगर आप रख लेते हो फर्म के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। इनके जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट,
तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का कुछ पार्सन शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट ना करके फर्म के अंदर ही रख लिया जाता है, जिसको रिटेन अर्निंग या प्लाफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या इंटरनल अक्रूवल बोलते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट टू रिजर्व, लाइक जनरल रिजर्व में डालना पड़ेगा, रिडम्पशन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, 10% ऑफ प्रॉफिट होता है ये, और डिविडेंड कैपिटलाइज डिविडेंड एक्चुअलाइजेशन रिजर्व बनाना पड़ता है। ये सारा का सारा रिजर्व के रूप में जो पैसा होता है रिटेन फर्म के पास ही रहता है। इस रिजर्व का यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। तो रिटेन अर्निंग लॉन्ग टर्म का सोर्स है, ना कि शॉर्ट टर्म का। परचेज ऑफ फिक्स एसेट रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए इस पैसे का यूज किया जाता है, और दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आल्सो कॉल्ड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है इसको। इसकी मेरिट क्या है सर? एक तो ये सस्ता है, दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है, बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ता, और शेयर होल्डर को भी बेनिफिट होता है इसका। अल्टीमेट तो बेनिफिट उन्हीं को होगा क्योंकि उन्हीं के लिए कमा रहे हैं। कमियां क्या हैं? हाई प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए कंपनी को। अगर मालिक इतना प्रॉफिट है तभी तो रिक्वायर कर पाएगी कुछ पोर्शन, प्रॉफिट थोड़ा तो रिक्वायर उसको रिटेन कैसे करेंगे। शेयर होल्डर कई बार नाराज़ हो जाते हैं कि सारा पैसा फर्म के अंदर रख रहे हैं, डिविडेंड देते नहीं, और कई बार मैनेजर जो वो भी घपड़े कर देते हैं कि प्रॉफिट को ज़्यादा देखकर। नेक्स्ट में आता अपना लीज फाइनेंसिंग। लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई वन कैन यूज द एसेट ऑफ द अदर। इनके 1% ए है, इसके पास एसेट है, 1% बी है जिसको चाहिए। ये तो होता है ओनर ऑफ द एसेट, ठीक है, और ये होता है यूजर ऑफ द एसेट। ओनर ऑफ द एसेट को लेसर बोलते हैं और इसको लेसी बोलते हैं, ठीक है, लेसर और लेसी का रिलेशन होता है, और जो लेसी देता है लेसर को उसको लीज रेंट बोलते हैं, इसको लीज फाइनेंसिंग बोलते हैं। नॉर्मली जो ये लीज फाइनेंसिंग होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है। प्रॉपर्टी लाइक इसका एग्जांपल लिख सकते हो लैंड, जो बैंक वाले ज़मीन लेते हैं ना 5 साल 10 साल के लिए ठेके पर, वो टाइप हो जाता है, ठीक है, तो बैंक वाले परचेज भी नहीं करते इसको। फिर आता है जी अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, बस ये लास्ट टॉपिक अपना। नेक्स्ट में आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के थ्रू ले सकते हो पैसा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वैसे तो दो तरह की होती है, एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको एफपीआई बोलते हैं, इसको एफडीआई बोलते हैं। इसका पर्पज ओनरशिप मेन मोटिव होता है। जो भी विदेशी व्यक्ति इंडियन कंपनी में आके लगाएगा एफडीआई में पैसा, उसका ओनरशिप, इसका पर्पज प्रॉफिट मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाया और निकल गए, प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। इसके अलावा पोर्टफोलियो, अगर कोई फॉरेनर इंडियन कंपनी में लेस देन 10% 10% से कम शेयर में इन्वेस्ट करता है इंडियन कंपनी के, तो वो तो कहलाता है आपका पोर्टफोलियो, और मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी शेयर, तो मोर देन 10% एंड मोर बोलो, यानी कि 10% भी इसमें भी आएगा एफडीआई में। 10% लगा दिया तब भी एफडीआई में, 11 लगा दिया तब भी एफडीआई में, और पोर्टफोलियो में 9 लगाएगा तब आएगा, ठीक है। तो ये था पोर्टफोलियो के रिगार्ड, सॉरी एफडीआई के रिगार्डिंग, कि फॉरेन सोर्स से भी पैसा कलेक्ट किया जा सकता है फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है। इट एनेबल इंडियन कंपनी को एनेबल करती है टू सिक्योर इक्विटी कैपिटल थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉरेन कोलैबोरेटर, यानी कि फॉरेनर को अपनी कैपिटल बेचकर, या फिर कंपनी लोन भी ले सकती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से डायरेक्टली। फिर आता है नेक्स्ट वन ग्लोबल GDP।
सॉरी GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब क्या होती है, इंडियन कंपनी जो होती है, ठीक है, मान ले कि ये हमने रिलायंस लिमिटेड चली गई अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका की कोई स्टॉक एक्सचेंज है और सबको पता है कि जो यहाँ के लोग हैं अमेरिका के, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसा खरीदेंगे। तो रिलायंस कंपनी यहाँ चली गई, इसमें अपने शेयर रजिस्टर्ड करवाएगी। तो रिलायंस कंपनी अगर इंडिया में बेचती है तो वर्ड यूज़ करते हैं शेयर, लेकिन एक रिलायंस कंपनी की इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करवाएगी किसी डिपॉजिटरी की हेल्प से, और वहाँ पर जो शेयर है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, डिपॉजिटरी में। इसको डिपॉजिटरी बोलते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। शेयर कन्वर्ट किस में हो जाता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, जब एक कंपनी दूसरे देश में जाके वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा के खुद को, और डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। तो अगर अमेरिका के अंदर है तो ADR, और अदर देन अमेरिका है तो GDR, बस। और कई बार क्या होता है, अगर सिर्फ ये लिख दे क्वेश्चन में कि सिर्फ यूरोप के अंदर ही वो इंडियन कंपनी ने, रिलायंस ने यूरोपीय देशों में से वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवा के पब्लिक से पैसा लिया, तो उसको EDR बोल देते हैं। तो EDR GDR बराबर ही होते हैं। तो होप शो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कुछ किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।